नमस्कार, संगीता अग्रवाल किचन पर आपका स्वागत है। आइए आज हम उड़द के काली दाल की खिचड़ी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी चावल पानी में करेंगे। यहाँ पर हमने चावलों को अच्छे से भीन करके साफ कर लिया है और साथ ही इसी पानी में आधी कटोरी उड़द की दाल जिसे हमने भीन करके अच्छे से साफ कर लिया है उसे भी इसमें डाल देंगे और इन दोनों को तीन चार बार पानी से अच्छे से धो करके आधे घंटे के लिए भिगो करके रख देंगे जिससे कि हमारे दाल चावल फूल जाए। हमारे दाल चावल को भीगे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इन्हें एक चलनी में निकाल लेंगे। अब हम इन्हें एक चलनी में डाल करके इनका पानी निकाल देंगे। अब हम एक कुकर को गर्म करके उसमें दो बड़े चम्मच सरसों का तेल करेंगे और तेल को अब हम धुआं उठने तक पकाएंगे। आप सरसों के तेल की जगह रिफाइंड या देसी घी भी ले सकते हैं। हमारे तेल में धुआं उठने लगा है। अब हम गैस को हल्का कर देंगे और इसमें एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची जिसे हमने बीच में से कट कर रखा है, दो दालचीनी के टुकड़े, छह से सात काली मिर्च, आधी चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच हींग, एक चम्मच बारीक कटा अदरक, दो साबुत लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और दो बारीक कटी हरी मिर्च डाल करके इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर हमने जिस कटोरी के नाप से दाल चावल लिए हैं उसी कटोरी के नाप से ढाई कटोरी पानी डालेंगे। अब हम इसमें एक छोटी चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल करके इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी में एक खोला आने तक इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पानी में खोला आने लगा है। अब हम इसमें भीगे हुए दाल चावल डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुकर का ढक्कन लगाएंगे और कुकर का ढक्कन लगाने के बाद अब हम इसमें हाई फ्लेम पर दो सीटी लगाएंगे। हमारे कुकर में दो सीटी आ चुकी हैं। अब हम गैस को हल्का कर देंगे और हल्की गैस पर दो मिनट तक इसे पकाएंगे और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। हमारी खिचड़ी को हल्की गैस पर पकते हुए दो मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर का प्रेशर अपने आप से निकलने के लिए रखा रहने देंगे। हमारे कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी खिचड़ी कितनी खिली खिली बनी है। अब हम खिचड़ी को सर्व करेंगे। जब आप इस खिचड़ी को सर्व करें तो खिचड़ी के ऊपर से देसी घी डालें और साथ में मूली का रस, दही, चटनी और पापड़ साथ में सर्व करें तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। लीजिए, हमारी उड़द की काली दाल की खिचड़ी तैयार है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।